नमस्कार जूले, लद्दाख के संरक्षण और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा दिन था। आपको याद होगा 3 फरवरी को लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी, लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। इसके बाद 19 फरवरी और फिर 4 मार्च को वार्तालाप हुए गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच में, और 4 मार्च को ये वार्तालाप विफल हुए जिसमें सरकार ने ऐसे संरक्षण देने से मना किया। तो आज उसी सिलसिले में, जैसा पहले घोषणा की गई थी, एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें हज़ारों लोग फिर से जमा हुए, उसके बाद मैं और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं और ये अनशन 21-21 दिन के चरणों में आमरण चलेगा। और हमारी उम्मीद है कि इसमें सरकार लद्दाख के जो जायज़ मांगे हैं, जो कि वादे हैं सरकार की तरफ से, उन पर ध्यान देगी और लद्दाख को संरक्षित करेगी, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की रक्षा है, भारत की संरक्षण है। तो मैं आज आप लोगों को लद्दाख का जो शहीद स्मृति स्थल है, जहां शहीदों के नाम पर स्तूप बने हैं, जहां पर लद्दाख के उन युवाओं ने जिन्होंने लद्दाख के लिए जान दी, उनकी स्मृति है, वहीं पर ये अनशन चल रहा है और अगले 21 दिन और ज़रूरत पड़े तो और 21 दिन करते हुए बढ़ता जाएगा। बाकी इसके बारे में आप इस भाषण से जो मैंने आज इस बड़े सभा में दिया समझ सकते हैं, इस अनशन के बारे में और लद्दाख के इस मुद्दे के बारे में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।